आज मैं शेयर कर रही हूँ कद्दू का चीला बनाने की रेसिपी। चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ कद्दू लिया है, इसे बारीक काट लिया है। यहाँ मैं ली हूँ चावल, इसे पीस कर मैंने रख लिया है। इसे 2 घंटे के लिए भिगो कर मैंने इसे पीस लिया है। कुछ मसाले मैंने लिए हैं जो मैं चीला में डालूंगी। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ चीला बनाने की रेसिपी। कद्दू में थोड़ा नमक डालकर मैं इसे उबाल लूँगी, फिर मैं कद्दू को चीला बनाने में यूज़ करूँगी। कद्दू को 5 मिनट पका लिया है, अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं इसे चावल मिक्स करके चीला बनाऊँगी। तो मैं पहले इसे ठंडा कर लेती हूँ। कद्दू को पका कर मैंने ठंडा कर लिया है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ चीला बनाने की रेसिपी। अब मैं इसमें डालूँगी कद्दू। कद्दू जो मैंने उबाल कर रखा था, ये ठंडा हो चुका है, इसे मैं डाल दूंगी। कद्दू जब भी डालें चावल में ठंडा करके, नहीं तो ये जम जाता है, इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। कद्दू मैंने चावल में डाल दिया है। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्चा पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच नमक। नमक मैंने कद्दू में भी यूज किया है, इसलिए नमक अपने हिसाब से डालें। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैं ली हूँ फ्राई पैन। फ्राई पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी घोल। मैंने घोल डालकर इसे फैला लिया है। जितना बड़ा आपको चीला बनाना हो उतना ही घोल डालें। चीला पक चुका है एक साइड, दोनों साइड अच्छी तरह से पका लें। ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा तेल, दोनों साइड अच्छी तरह से पका लें। चीला दोनों साइड से पक चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। चीला बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट। अब मैं बनाऊंगी चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक। टमाटर और लाल मिर्च को मैं उबाल लूँगी, फिर मैं इसे पीसकर चटनी बना लूँगी। मैंने टमाटर और लाल मिर्च को उबाल लिया है। उबाल कर मैं इसे पॉट में डाल लेती हूँ। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। कद्दू का चीला टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। चीला बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है। आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट चीला बना है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।